अब कांग्रेस पार्टी को शिवानंद तिवारी जी के सलाह की ज़रूरत तो नहीं है। उनके सलाह से तो कांग्रेस चलती नहीं है, उनके सलाह से तो कांग्रेस बनी नहीं थी और उनके सलाह से आगे भी नहीं चलेगी। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव हारे या जीते समीक्षा करती हैं और ये जो काला कानून था जब लोकसभा और राज्यसभा में पास हो रहा था तो कांग्रेस सहित विपक्ष की सभी पार्टियों ने विरोध किया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूँ आपके साथ सौरभ राज। बिहार में आरजेडी समीक्षा बैठक कर रही है, कहाँ पे चूक हुई कि सत्ता से दूर रह गई। हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह, से जानेंगे कि क्या आरजेडी के बाद कांग्रेस भी समीक्षा बैठक करेगी। सर, जिस तरीके से आरजेडी अब समीक्षा बैठक करे विधायकों के साथ, कहां पे चूक हुई, कहां पे इनको कम सीटें मिली, इसके ऊपर बैठक करे, क्या कांग्रेस भी कुछ करेगी। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव हारे या जीते समीक्षा करती हैं जी, तो निश्चित रूप से कांग्रेस भी कर रही है और करेगी। जिला स्तर से लेके सभी विधानसभा में जहाँ जहाँ हम लोग चुनाव लड़े वहाँ क्या खामियां रह गई, क्या कमी रही, उस पर गहन विचार विमर्श करके फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। जब परिणाम आया बिहार में सर, तो आरजेडी के तरफ से भी कहा गया कि कांग्रेस के कारण सत्ता से दूर रह गई महागठबंधन। नहीं, ये गलत है। 22 एमएलएज थे जब हम लोग चुनाव में जा रहे थे, तो हम लोग 22 से 19 पर आ गए और 4-5 सीट हम लोगों को ज़बरदस्ती हरवाया गया। तो सर, जिस तरीके से केंद्रीय कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश के ऊपर बात चल रही है कि टीम चेंज होगी, पर राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी बात चल रही है, प्रदेश अध्यक्ष की भी बात चल रही है, तो क्या लग रहा है कि अब कांग्रेस में नई जान आएगी। तो पार्टी में सतत व्यवस्था है जी, जो बनता है वो हटता है, फिर नया प्रयोग किया जाता है, तो ये चलेगा। हार की जिम्मेवारी सब लोगों ने लिया है। बिहार के आपके ही एक मित्र शिवानंद तिवारी ने यहाँ तक कह दिया कि सोनिया गांधी पुत्रमोह में है, इसलिए चेहरा दूसरा होना चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी को शिवानंद तिवारी जी के सलाह की ज़रूरत तो नहीं है। उनको अपना सलाह अपनी पार्टी में देनी चाहिए। उनके सलाह से तो कांग्रेस चलती नहीं है, उनके सलाह से तो कांग्रेस बनी नहीं थी और उनके सलाह से आगे भी नहीं चलेगी। क्या लग रहा है सर कि बिहार कांग्रेस में कोई युवा को मौका मिलेगा, क्योंकि युवाओं की बात सब जगह हो रही है। आपके सामने तेजस्वी यादव भी युवा है, तो लगेगा कि कांग्रेस भी एक युवा को आगे करे। निश्चित रूप से भारत सबसे युवा देश है पूरे दुनिया का, तो युवाओं को तरजीह देती रही है कांग्रेस पार्टी, आगे भी देगी संगठन में सब जगह। एक अंतिम प्रश्न है सर कि किसानों के ऊपर जिस तरीके से भाजपा जगह जगह जा करके किसान चौपाल लगा रही है, क्या इससे किसानों को जो सही जानकारी है सरकार करे कि कृषि कानून किसानों के हित में है, सही जानकारी मिलेगी? आप लोग गुमराह कर रहे हैं। संवेदनहीनता का सरकार का पराकाष्ठा है। जो किसान अन्नदाता है पूरे 125-30 करोड़ लोगों को खिलाने का काम करता है, उनके साथ इस तरह का बर्बरतापूर्ण कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। और ये जो काला कानून था जब लोकसभा और राज्यसभा में पास हो रहा था तो कांग्रेस सहित विपक्ष की सभी पार्टियों ने विरोध किया था और कहा था कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजिए, गहन विचार विमर्श करके इस कानून को पास कराना चाहिए, जो नहीं कराया गया। और उसी का नतीजा है कि पूरे देश में आज किसान व्यथित हैं, आंदोलित हैं और गुस्से में हैं और कुछ कर रहे हैं दिल्ली की तरफ जी। तो जल्दी से जल्दी सरकार को चाहिए कि ये कानून वापस ले और जिस तरह का व्यवस्था पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में है, जो एसटीडी स्टेट्स हैं जहां एफसीआई सीधे तौर पर प्रोक्योर करती है किसानों के उपज को, ऐसे भी किसी को भी मालूम होगा कि पंजाब, हरियाणा और जो एसटीडी स्टेट्स हैं वहाँ जहाँ सीधे तौर पर एफसीआई प्रोक्योर करती है वहाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित होता है और लोगों को, वहाँ के किसानों को ज़्यादा पैसा मिलता है देश के अन्य राज्यों की तुलना में। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू सर। अब कांग्रेस पार्टी को शिवानंद तिवारी जी के सलाह की ज़रूरत तो नहीं है। उनके सलाह से तो कांग्रेस चलती नहीं है, उनके सलाह से तो कांग्रेस बनी नहीं थी और उनके सलाह से आगे भी नहीं चलेगी। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव हारे या जीते समीक्षा करती हैं और ये जो काला कानून था जब लोकसभा और राज्यसभा में पास हो रहा था तो कांग्रेस सहित विपक्ष की सभी पार्टियों ने विरोध किया था।